జాదూగర్ ఆనంద్ చిత్తూరు ప్రాంత వాసులకు కనువిందు చేయనున్నారు. ఈ నెల 4వ తేదీ నుంచి వారం రోజుల పాటు తన విన్యాసాలతో మంత్రముగ్ధులను చేయనున్నారు. ఈ రోజు ఉదయం చిత్తూరు ప్రెస్ క్లబ్ లో మీడియా ప్రతినిధులతో మాట్లాడారు. చిత్తూరు నగరంలోని నాగయ్య కళాసత్రంలో ఈ నెల 4వ తేదీ నుంచి 13వ తేదీ వరకు విన్యాసాలతో మంత్రముగ్ధులను చేయనున్నారు. ప్రపంచంలోని 17 దేశాలలో ఇప్పటి వరకు ప్రదర్శనలు చేశానని, చిత్తూరులో తొలిసారిగా చేస్తున్న ప్రదర్శన జయప్రదం చేయాలని కోరారు. आंध्र में और तेलंगाना में हमने करीब 3000 से ज़्यादा शूट किया अलग अलग जगहों पर. तिरुपति हम लोग दो बार आते हैं, पता नहीं, लेकिन चित्तूर आने का मौका ही नहीं था. अभी पहली बार बहुत अलग लग रहा है यहाँ पे. और आज आप लोग का काफ़ी बिजी शेड्यूल है मुझे पता है, इसलिए बहुत शॉर्ट में टू द पॉइंट की बात कर दूँगा. कल शाम को 7 बजे से हमारे शो शुरू हो रहे हैं कला क्षेत्र में, और 8-10 दिन यहाँ पर हमारे शो होंगे लगातार. डेली हम लोग 2 शो देंगे, कल यानी इनॉग्रेट शो खाली एक रहेगा 7 बजे, उसके बाद डेली 2 शो होंगे 4:30 और 7:30. संडे को 3 शो देंगे 1:30, 4:30, 7:30. हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज इस शो को देखें, क्योंकि आजकल फैमिली एंटरटेनमेंट बहुत चीज़ें खत्म हो गई. लाइव शो भी बाई चांस ही होते हैं, और यदि हो रहे हैं तो फैमिली देख सके, इसलिए हम लोगों ने अपना टिकट रेट भी बड़ा ऐसा अफोर्डेबल रखा है कि फैमिली अफोर्ड कर सके देखें. क्योंकि मैजिक जब आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे देखते हैं, उसमें बहुत सारे काम हो जाते हैं, एडिटिंग हो जाती है, एडिटिंग हो जाती है, चेंजेस हो जाते हैं. लेकिन जब आप लाइव देखते हैं, सामने देखते हैं, उसकी वाइब्रेशंस अलग ही होती हैं, वो भी एकदम डिफरेंट होता है उससे. फिर अभी ये तो पूरा आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक उसका चल रहा है, अलग बात है. लेकिन लाइव कुछ चीज़ें हो, उनको एंजॉय करने का मौका जब मिले तो इंसान को करने की कोशिश करना चाहिए. इसलिए हम लोगों ने टिकट रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं रखा है, 100-200-300 का.